हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली कुछ ऐसा फ्रॉड वेबसाइट वाले आ गए जो ऐसा मतलब स्टार क्यू जेपीटी वेंट्रो इस तरह का कुछ भी कार वॉशर से रिलेटेड फोटो चिपका के ऐसे ही मतलब एकदम बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसा लगता है लेकिन बिल्कुल फेक वेबसाइट है। यूपीआई से आपको पेमेंट ले लेंगे पहले, फिर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे। इस तरह का भी फ्रॉड ऐसा आने लगे मार्केट में, तो आप क्या करो, जेन्युइन जो वेबसाइट है उससे खरीदो, या तो जो अमेजोन है फ्लिपकार्ट है आप इससे ही सामान खरीदो। हाँ ऐसे तो थर्ड पार्टी कौन सा ऐप है जो इसका मतलब थर्ड पार्टी जो वेबसाइट वगैरह है जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना और सीधा स्टार क्यू का मशीन बेच रहा है आपको 7,000 के जगह पे 5,000 में। ऐसा मशीन आप कभी ऐसा एडवांस पैसा मत दो, ठीक है? आप इस तरह का प्रोडक्ट आप खरीदने का कोशिश मत करो, आपको आपका पैसा डूब जाएगा, आपको कोई प्रोडक्ट भी नहीं आएगा और आपका बैंक से पैसा कट हो जाएगा। इस तरह का ऐसा फ्रॉड इस तरह का चल रहा है मतलब मार्केट में। अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ, अभी देखो इस तरह का जो है ना फ्रॉड होने लगा है, कई सारा 2-3 ऐसे वेबसाइट भी आ गए मार्केट में। तो मैं एक काम करूँगा, आपको मैं अमेजोन का लिंक दे दूँगा, आप सीधा वहाँ से जाकर खरीद सकते हो कुछ भी प्रोडक्ट है जो भी है ना। या तो आप देख लेना जो जेपीटी का जो है ना जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट रहता है, मेरे nithora.com है वहाँ पर भी उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दे दूंगा, जेपीटी का, स्टार क्यू का और भी वेंट्रो का और जो भी सारी कंपनी है ओरिजिनल जो वेबसाइट है उनका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर से भी आप खरीद सकते हो। लेकिन अभी किसी थर्ड पार्टी जिसका आपने कभी वेबसाइट का नाम सुना नहीं, अचानक से आपको कम रेट में मशीन मिल रहा है ये सोच के आप खरीद लोगे तो ऐसा मत करो। आपका मेरे को ऐसा एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा था, मुझे 2-3 दिन पहले कि भाई ऐसा इस तरह कोई फ्रॉड वेबसाइट आया, सोचा कि मैं फटाक से अभी एक वीडियो बना के मैं आपको जल्दी से बता दूँ। मुझे पता ये वीडियो मैं ज़्यादा ऐसा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, बहुत ही छोटा सा वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करना देना चाहता हूँ कि भाई आपका पैसा है ना, आपका पैसा डूबना जाए, क्योंकि आपका पैसा डूबेगा तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात, जो गिव अवे का जो है ना वैक्यूम क्लीनर गिव अवे, भाई उसका अभी तक 5,000 लाइक हुआ ही नहीं है, तो मैं गिव अवे कैसे करूँगा आप बताओ, है ना? 2,000-4,000-10,000 व्यूज आएंगे तो उसमें से तो मैं आपको गिव अवे नहीं दे सकता ना, मतलब विनर अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको क्लियर वीडियो में बोला था कि भाई 5,000 लाइक तो दे दो यार, 5,000 लाइक हो जाएगा तो मैं मतलब गिव अवे का विनर जो है वो अनाउंसमेंट कर दूंगा। और अभी कितना दिन हो गए पता नहीं, और कितना दिन लग जाएंगे, अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर गिव अवे शायद देना मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखो आपको मतलब कैसा क्या होता है ना, वीडियोज़ में 5,000 लाइक अगर आ जाता 10 दिन के अंदर तो मैं फटाक से गिव अवे का अनाउंसमेंट कर देता। अगर कोई बात नहीं, अगर उसमें अगर 10,000-5,000 लाइक अगर नहीं होना तो कोई बात नहीं, मैं फिर से और एक ऐसा कौन सा भी कार वॉशर से रिलेटेड मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको गिव अवे तो मैं देके छोड़ूंगा। अब मैं कॉन्सेप्ट कुछ अभी अलग तरीके से चालू किया है कि भाई गिव अवे मैं तो दूंगा ही, है ना, कुछ भी हो जाए 5,000 लाइक उस वीडियो में नहीं है कोई बात नहीं, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फिर से 5,000 का ही टारगेट रखूंगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहूंगा कि 5,000 आप लाइक दे दो बस, आप गिव अवे आपको ये मशीन ले लो बोल के। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।